दोस्तों ये एक आईवोल कंपनी का रिमोट है, और दोस्तों ये हम सेंसर पे भी चेक कर रहे हैं तो ये कोई बटन काम नहीं कर रहा है, इस समय बिल्कुल डेड है। और चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों खोलने से पहले आप इसका पहले सबसे पहले सेल निकाल लें, सेल निकालने के बाद आप इस तरह का एक ब्लेड लें और ब्लेड से ये किनारे को आप खोलें, धीरे धीरे आप दोनों तरफ से इसको ब्लेड को खोलते चले जाएं। और दोस्तों इसकी ये बैक और फ्रंट हटाने के बाद आप ये फ्रंट तो आप अलग रख दें और ये पीसीबी बाहर निकाल लें। और दोस्तों पीसीबी निकालने के बाद आप स्प्रिंग देखें कहीं से हिल लूज़ तो नहीं है, ये सेंसर भी लूज़ तो नहीं है, कई बार ये सेंसर लूज हो जाता तो इसकी वजह से भी दिक्कत काम नहीं करता। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा फंगस सा आ रहा है, वैसे चिमटी से थोड़ा खुरच ले और इसकी ये जो पैड है इसको अलग कर ले। दोस्तों कई बहुत से रिमोटों में रबड़ की पैड होती है, इसमें वैसे पैड दे रखी जैसे मोबाइल में होती है पुराने कीपैड में, तो इस पैड को अलग कर ले। और इसके बाद एक बार आप इसमें फिट करें और सेल लगा के एक बार चेक करें वोल्टेज वगैरह, दोनों सेल लगा लें, फिर आप इसमें एक बार वोल्टेज चेक करें। कई बार क्या होता है कि सेल भी ख़राब हो सकते हैं या फिर ये जो स्प्रिंग होती है दोस्तों उससे करंट नहीं आता अंदर, तो ये देख लें कि करंट आ रहा नहीं आ रहा। दोस्तों इसमें करंट नहीं आ पा रहा ढंग से, और जब वोल्टेज ही नहीं आएंगे तो रिमोट कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले काम है इसमें आप वोल्टेज चेक करें, आप इसको आप एक बार दोबारा दूसरे सेल भी लगा के देख सकते हैं, कई बार सेल भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके सेल तो ठीक हैं, लेकिन मगर इसके स्प्रिंग में देखो यहाँ पे एक जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से अंदर दोस्तों करंट नहीं जा रहा। और ये जो स्प्रिंग है दो साइड वाली ये बाहर निकल जाती है, जो दो स्प्रिंग होती है उसमें पीसीबी में लगी रहती है। आप इसे एक ब्लेड ले या कुछ भी ले किसी भी चीज़ से आप इसको खुरच सकते हैं, और इधर भी देख लें अगर इधर जंग हो तो आपको ये भी साफ़ करना पड़ेगा। और दोस्तों इसको पूरा जंग छुटा लें, क्योंकि जब सेल इससे स्प्रिंग से टच होता है तो जब उसमें जंग लगा होगा तो करंट पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पीसीबी में करंट नहीं जाएगा और पीसीबी काम नहीं करेगी। दोस्तों ये पूरा जंग साफ़ कर लें। ये जंग दोस्तों लगता तब है जब इसमें कोई सेल लगा रह जाता है, उसका लिक्विड अंदर चला जाता है, कभी कभी बरसात के दिनों में भी मॉइस्चर से भी जंग लग जाता है। आप इसको पूरी तरह साफ कर लें, साफ करने के बाद आप इसमें ब्रश वगैरह से भी कर लें, क्योंकि अंदर कोई जंग वंग हो या कोई धूल वगैरह हो तो सारी साफ कर लें। ब्रश से साफ करने के बाद आप ये स्प्रिंग फिट करें, ये अंदर से स्प्रिंग हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस को वो करने के लिए कनेक्ट करने के लिए होती है स्प्रिंग। और इसको डालने के बाद आप एक बार पीसीबी लगाएं और चेक करें कि यही फॉल्ट था या अदर फॉल्ट और है कोई, इसके आगे कुछ फॉल्ट है या नहीं है। तो दोस्तों दोनों सेल लगाने के बाद आप सेंसर के सामने इसको चेक करें, चिमटी से बटन शॉर्ट कर लें और ये देखें कि ये ब्लिंकिंग करने लग गया, तो इसका मतलब जो इसके अंदर दिक्कत थी दोस्तों वो स्प्रिंग की दिक्कत थी, स्प्रिंग में जो जंग लगा हुआ था जिसकी वजह से आगे करंट नहीं पास हो रहा था। अब दोस्तों जब आपने इसको खोला है तो इसको सर्विस भी करें, आप इसकी जो पैड है किसी कपड़े से पूरी साफ़ करें, और आपके पास कोई लिक्विड हो जैसे आईपी थिनर या पेट्रोल तो आप उससे भी साफ, किसी भी लिक्विड से आप साफ कर सकते हैं। दोनों सेल निकाल लें, सेल निकालने के बाद अब आप लिक्विड से साफ करें, लिक्विड आप पे कोई सा भी हो सकता है तीनों में से जो हमने बोला, उनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आपके पास पेट्रोल हो थिनर हो या आईपीओ किसी से भी साफ कर सकते हैं।
और दोस्तों साफ करने के बाद अब इसको एक बार और देख लें, कोई स्प्रिंग वगैरह में जंग नहीं है, क्योंकि बंद करने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लें और ये सेंसर भी देख लें, कोई ड्राइव वगैरह तो नहीं है। और तो दोस्तों इसको अब फिट करते हैं। ये हमने प्लेट इस बेस में फिट कर ली, इसके जो पीछे बैक वाले कवर में। अब इसकी पैड फिट करेंगे। इस पर भी एक बार दोस्तों कपड़ा मार लें, क्योंकि इस पर भी कोई धूल डस्ट वगैरह हो सकती है, तो वो भी आपकी साफ हो जाएगी। ये पैड हमने पीसीबी के ऊपर लगा ली और हम ऊपर से अब बैग बंद करते हैं इसको। लेकिन दोस्तों ये फिटिंग ऐसे नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं तो ऐसे बंद ठीक से हो नहीं पड़ा। तो आप पहले इसमें पैड की पैड के ऊपर ही सेट करें इस तरह, अब फिर इसकी प्लेट भी फ्रंट पे सेट करें, क्योंकि हर रिमोट में अलग अलग सिस्टम होता है फिटिंग का। तो दोस्तों इस तरह आप इसको फिट कर लें। दोस्तों ये आगे का जो सेंसर है वो ढंग से फिट नहीं हुआ, आपको सेंसर को सेंसर अटकेगा अगर उसका जो छेद है जिसमें वो आपको सेंसर से वो सिग्नल जाता है, वो आपको सेंसर को इस छेद में डाल के तब इसके पीछे से प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये ढंग से बंद हो नहीं पाएगा। आप धीरे धीरे प्रेस कर दें। दोस्तों ये थोड़ी फिटिंग में भी दिक्कत कर रहा है, तो इसको एक बार फिर दोबारा खोला, फिर इधर से नहीं बैठा। तो दोस्तों पैड तो हमने इधर फिट कर दी, अब दोस्तों पीसीबी हम इसके बैक में फिट करेंगे, क्योंकि फिटिंग में जब तक पूरी फिटिंग एक्यूरेट नहीं आएगी तो आपको इस तरह एडजस्ट करके देखना पड़ता है। अब धीरे धीरे प्रेस करेंगे, क्योंकि हर रिमोट में थोड़ा अलग अलग है फिटिंग का। अब दोस्तों इसको दबाने के बाद अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिटिंग बैठ गया, अब कोई इसमें गैप वगैरह नहीं है। अब हम इसको सेल लगाएंगे, सेल लगाने के बाद अब इसको हम सेंसर पे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख लेना किस तरह पैड इधर फिट करनी है, इधर फिट करनी, क्योंकि आई बोल में इस तरह होता। अब देखो हम कोई भी बटन दबा रहे, बटन जो वन टच काम कर रहे हैं, सारे बटन दोस्तों इसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का आई बोल का रिमोट है तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं, और आपको हमने खोलना बंद करना उसका फिटिंग कैसे होती सारी चीज़ें सिखाई हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।